हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो वेयर वी डाइव इन टू दर्ल्ड ऑफ वी एम वेयर प्रोडक्ट्स आज हम कुछ एसेंशियल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी है चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट जो हम कवर करेंगे वो है वी एम वेयर वर्क स्टेशन प्लेयर ये एक फैंटेस्टिक यूटिलिटी है जो वर्चुअल मशीन्स को विंडोज लेनेक्स या मैक कंप्यूटर पर रन करने के लिए यूज होती है organizations इसे मैनेज कॉर्पोरेट डेस्कटॉप्स डिलीवर करते हैं जबकि स्टूडेंट और एजुकेटर्स इसे लर्निंग और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं एक बात ध्यान रखिएगा कि नॉन कमर्शियल पर्सनल और होम यूज के लिए ये फ्री है अगला प्रोडक्ट है VMware vSphere हाइपरवाइजर, जिसे कॉमनली ESXi के नाम से जाना जाता है ये एक बेयर मेटल हाइपरवाइजर है जो डायरेक्टली आपके फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल होता है सारे मेजर कंपनीज जैसे वीएमवेयर वेयर और पास हाइपरवाइजर होता है जो फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल होता है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म है वीएमवेयर के लिए वी हाइपरवाइजर का नाम यस है अब हम बात करते हैं वीएम वेयर क्लाइंट की ये हमारे लिस्ट का तीसरा प्रोडक्ट है ESXi सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे कनेक्ट और मैनेज करने का एक तरीका चाहिए यहाँ पे vSphere क्लाइंट काम आता है ये एक इंटरफेस बनाता है जो हाइपरवाइजर को रिमोट मैनेजमेंट अलाउ करता है पहले ये एक थिक क्लाइंट था लेकिन अब ये वेब बेस्ड है जिससे ये ज्यादा एक्सेसिबल बनता है

टर मल्टीपल हाइपरवाइजर को मैनेज कर सकता है क्लस्टरिंग रिसोर्स शेड्यूलिंग और भी एडवांस मैनेजमेंट टास्क एनेबल करता है याद रखें जब आप मल्टीपल हाइपरवाइजर के साथ डील करते हैं तो वी सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं आज हमने देखा कि वी एम वर्क स्टेशन प्लेयर एक पर्सनल कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन्स रन करने के लिए यूज होता है ये yes, सेक्स एक बेर मेटल हाइपरवाइजर है जो फिजिकल सर्वर्स के लिए है विस्पेर क्लाइंट हाइपरवाइजर जो मैनेज करने के लिए एक वेब बेस्ड क्लाइंट है और वी सेंटर मल्टीपल हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टूल है थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बताएं हैप्पी वर्चुअलाइजिंग